इंडिया की बेबाक राय में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश की खासियत है कि हर घटना को यहाँ राजनीतिक चश्मे से जरूर देखा जाता है। जैसे अभी हालिया कोरोना वायरस से सभी त्रस्त चल रहे हैं, लेकिन कोरोना भी भारत में राजनीति से बच नहीं पाया। कोरोना की तैयारियों को लेकर विपक्ष सरकार पर उंगली उठा रहा है तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कोरोना के विश्वव्यापी खतरे के बीच हम सब फंसे हुए हैं। ये एक सच्चाई है और आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भी बाकी राज्यों की तरह स्कूल और सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ने कोरोना का भी राजनीतिक इस्तेमाल कर ही लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर जाने से पैदा हुए सत्ता के संग्राम में मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुर्सी जानी तय थी। आज ही विधानसभा में बहुत परीक्षण होना था जिसमें सरकार का गिरना तय था। इन अवश्यभावी परिस्थितियों को कांग्रेस ने समझ लिया था और इसलिए कोरोना का नाम लेकर विधानसभा को कुछ दिन के लिए भंग कर दिया गया। भाजपा इस कदम से खफा है और उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। भाजपा की मांग तुरंत बहुमत परीक्षण करवाने की है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इससे साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। अब कुछ ही दिन की इस मोहलत में अब विधायकों की अंतरात्मा जगाने के लिए उनके घर सुटकेस पहुंचाए जाएंगे, मंत्री पद का लालच दिया जाएगा और बेटे बेटे के लिए विधानसभा टिकट भी ऑफर किए जाएंगे। जो विधायक इस वजन के तले दब जाएंगे वो इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज बता देंगे और जो नहीं दबेंगे वो शायद ज्यादा वजन की उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन ये बात तो साफ हो रही है कि जनता के चुने गए प्रतिनिधियों की औकात दो कौड़ी से ज्यादा नहीं है। जिधर दम उधर हम के अलावा उनके पास ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई नैतिक मूल्य। ये भी विडंबना है कि इस बेशर्म राजनीति का खेल जो पार्टी जीत लेगी वही प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार का ध्यान फिलहाल विधायक खरीदने और सत्ता के जुगाड़ में लगा हुआ है। पहले विधायकों की सेवा होगी और उसके बाद सोचा जाएगा कि जनता के लिए फंड बचा है नहीं। इन सबके बीच जनता सोच रही है कि जो पार्टियां अपने विधायक नहीं संभाल पा रही है वो प्रदेश को कैसे संभालेगी। कमलनाथ ने कोरोना का बहाना बनाकर हाल फिलहाल का संकट तो टाल दिया है, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं रह गई है, अब ये लड़ाई कमलनाथ दिग्विजय और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बन गई है। महाराज कांग्रेस छोड़कर आए तो है, कुछ सोचकर जुगाड़ लगाकर ही आए हैं। मौका मिलते ही वे कांग्रेस की मध्यप्रदेश सरकार गिराकर ये संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई है। अपनी पार्टी छोड़ने की सजा वो पार्टी को दिलाकर ही दम लेंगे। कमलनाथ कोरोना के पीछे ज्यादा दिन छुप नहीं पाएंगे। प्रदेश की सरकार गिरने के साथ ही कमलनाथ के राजनीतिक जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। इसी घबराहट में वो हर संभव कोशिश कर लेना चाहते हैं। मध्यप्रदेश की जनता फिलहाल कोरोना के नाम पर हो रही इस राजनीति को देख रही है और ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि उसे ज्यादा खतरा कोरोना से है या राजनीति से। तो आप भी देखिए किस तरह से कमलनाथ कोरोना की आड़ में ये सब कर रहे हैं। अब जितने दिन की भी मोहलत उन्हें दी गई है उसमें वो विधायकों के घर पेटी तो जरूर भेजेंगे, लेकिन अगर विधायकों में दम होगा तो पेटी लेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें डर राजनीति से है या कोरोना से, क्योंकि कोरोना की आड़ में भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कमलनाथ का ये जो आज का कदम है वो उन्हें सही साबित करेगा या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।